देखें, जब इमरान खान का मसला था वो चार सीटों से शुरू हुआ, मौलाना फजलुर रहमान दोनों पार्टियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज देखें किस तरह नवाज शरीफ की दुआ की फ़ोटो लगी है कि तीन स्टेप, जैसे प्रोड्यूसर जो होता है ना, कोई डायरेक्टर जो होता है शूटिंग वाला, वो तीन स्टेप्स में लोगों को बैठाता है किसी फिल्म बंदी से पहले। सारी कौम की दुआ है कि अल्लाह ताला नवाज शरीफ को सेहत दे। लेकिन इस मुल्क में खूनी अमवात को, रिश्तेदारों की अमवात को, बीमारियों को, इवन बच्चों के हकीके को भी लोग सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 24 घंटे मीडिया ने चलना होता है, 24 घंटे उसको फ्रेश कवरेज चाहिए होती है। और आज जो भी सुप्रीम हाई कोर्ट फैसला करेगी, मैं एक आधा घंटा उसमें रहता है, उससे पहले कह रहा हूँ कि इमरान खान ने मुझे कल ये कहा कि जो भी हाई कोर्ट फैसला करेगी शेख रशीद, हम उस पर पैरा देंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और प्रोसीजर तय हैं आज़ादी मार्च के लिए, अगर उसमें वो आएंगे तो कोई मसला नहीं। जी ये बताएं कि इमरान पहले इधर दे दी, अभी दे दे दो। जी क्या मुझे परवेज़ रशीद साहब का आप ये बयान सवाल नहीं करेंगे? कल उन्होंने कहा कि अभी तक फजलुर रहमान ने हमें ना धरने की डेट दी है ना अपना प्रोग्राम दिया है, ये भी उन्हीं का बयान है। जी इमरान खान साहब ने बुज़दार को ये कहा है कि भी उनको सारी सहूलतें दो, पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टर उन्हें चाहिए वो दो, पाकिस्तान के अंदर जो अस्पताल उनको चाहिए उस अस्पताल में भेजो, पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म का भी उनको इलाज चाहिए वो दे। और उसने उससे भी बड़ी बात की है कि जो हाई कोर्ट का फैसला एक घंटे के बाद आना है वो उस पर वो पैरा देंगे।